हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। तो मेरी बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ ज़्यादा, और बस ऐसे ही थोड़ा कमज़ोरी है भी शरीर में और थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ी सी तबीयत हालत ठीक नहीं है अभी। तो गाइज, आप के कमेंट आ रहे थे कि मतलब आप दो तीन लोगों के ऐसे कमेंट आए हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं है उनका, और उनका कमेंट आ रहा था कि दीदी आप औरैया कब जा रहे हो, अपनी भाभी के पास कब जा रहे हो। तो मैं उन्हीं के आज जवाब देने वाली हूँ, मतलब जो भी मुझसे जो सवाल कर रहा है कि आप औरैया नहीं जा रहे हो, तो आप यही कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप मस्ती कर रहे हो यहाँ पे, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ पे सबकी ज़रूरत है। तो वो मुझे भी पता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वो मैंने ही जो कहते हैं ना, जो सोचते हैं वो ऐसा होता नहीं है। मैंने ही पहले बहुत सोचा था, मैं जब जम्मू से शिफ्ट करके आ रही थी तो मैंने यही सोचा था कि मैं वहाँ से, मतलब स्वाति गिर गई थी, वीडियो मैंने देखा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं पहले मतलब मथुरा जाके फिर मैं स्वाति को देख के आ जाती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं घर की तरफ चली जाऊँगी। मैंने आपको बताया भी था वीडियो में कि मैं घर पर जाऊँगी और मतलब औरैया भी जाना है मेरे को, मैंने पैकिंग भी कर ली थी, बस वही है कि थोड़ा नहीं हो पाया ऐसा। तो पहले मैं, फिर वही है कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो पहले मैंने ये सोच लिया कि चलो पहले मैं यहाँ आ जाती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, एंड टाइम पे मेरी मतलब जो सासू माँ हैं, सास की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने फ़ोन करके कह दिया था कि पहले इधर आ जाओ, फिर उसके बाद तुम फिर मतलब वहाँ चली जाना। तो फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है, अभी टाइम है स्वाति की डिलीवरी में, तब तक मैं थोड़ा मतलब गांव में हो लेती हूँ। क्योंकि मैं आई थी, कब आई थी मैं, आई थी होली पे आई थी, और जम्मू से सीधे यहाँ आई थी मैं होली पे, तो मैं ज़्यादा नहीं रुक पाई थी, सिर्फ मुश्किल से एक दो दिन रुक पाई थी बस, और फिर मैं तुरंत ही चली गई थी। तो इस वजह से मैं रुकी नहीं थी यहाँ पे। तो फिर इन्होंने भी कहा कि ठीक है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा करो पहले गांव चली जाओ, फिर उसके बाद बात कर लेना उनको स्वाति से और मम्मी से, फिर तुम मतलब जब होगा जून में तब तुम चली जाना, और फिर आगे तो और भी काम होंगे जैसे सबके। तो इस वजह से फिर मैंने भी ये सोचा कि चलो ठीक है, अभी है टाइम, महीना है, तब तक मैं यहाँ पर घूम लेती हूँ, मम्मी के पास भी रुक लेती हूँ थोड़ा सा, और उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी। मतलब अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, मैं कब आई थी, 15 या 16 को आई थी, और अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ रुकी हुई हूँ। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप वहाँ नहीं जा रहे हो, ये वो ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेरा भी मन है वहाँ जाने का, लेकिन बस तो इसलिए पहले मैं सोचा कि पहले यहाँ मैं रुक के और फिर मैं जाऊँगी औरैया। ठीक है, मैं औरैया चली जाऊँगी, जून स्टार्टिंग में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, और फिर आपको वहाँ पे वीडियो बना बना के दिखाऊंगी। ठीक है, और स्वाति से भी मिलवाऊंगी, अंकुश से भी, सबसे मिलवाऊंगी। ठीक, मैंने बात कर ली है, मैंने स्वाति से सबसे बात कर ली है, तो स्वाति ने कह दिया था कि ठीक है दीदी पहले आप वहाँ रुक जाओ, अभी टाइम है, और अभी एक दीदी भी आ गई हैं, तो जब तक आप वहाँ पर रुक लो फिर आप आ जाना। ठीक है, तो इस वजह से फिर मैं अभी नहीं जा रही हूँ, थोड़ा और ढील आ रहा है मैं, चलो ठीक है, जैसे थोड़ी मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर मैं आ जाऊँ। तो मैं भी, मेरा भी बहुत मन है स्वाति के पास जाने का, क्योंकि उसका भी एंड टाइम चल रहा है, मैं भी समझ सकती हूँ कि उसे कितनी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन वही है ना कि मेरी भी यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो यार वो भी तो समझनी है ना मेरे को, वो ये उधर का भी देखना है और यहाँ का भी देखना है। तो बस यही मैंने सोचा था कि उधर अभी टाइम है, तो पहले मैंने ये सोचा था कि पहले यहाँ पे ठीक हो जाए सब, उसके बाद फिर मैं अच्छे अच्छे से वहाँ जाऊँगी, तो अच्छा भी लगेगा, और आगे छठी भी है, मतलब और भी फंक्शन होंगे, डस्ट ऑन होगा बच्चे का, और क्या कहते हैं, और भी अंकुश के भी फंक्शन होंगे, सबके होंगे, स्वाति का भी बर्थडे आएगा, तो वो सब करके मैं फिर आराम से फुर्सत होकर टेंशन फ्री होकर फिर मैं आ जाऊँगी। इसी वजह से ही मैं नहीं जा पा रही थी, आप लोग कमेंट कर रहे थे, बस वही है, थोड़ा मैं वो नहीं कर पा रही थी, मैं पढ़ सब कमेंट रही थी कि हाँ ऐसे ऐसे आप कमेंट कर रहे थे, बस वही है ना कि जो समझता नहीं है वो तो कमेंट कर देता है, अब जो समझता है तो वो फीलिंग को समझता है कि हाँ ये है वो है, तो
इसलिए वो। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ऐसे ही और जो भी कुछ आपके मन में सवाल हो तो फिर से कमेंट करना, मैं उसके फिर से जवाब दूंगी आप सभी को। ठीक है, बाय बाय।